एक व्यक्ति का घर शहर से दूर छोटे से गांव में था। उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह फिर भी खुश नहीं रहता था। उसे लगता था कि शहर की जिंदगी अच्छी है, इसीलिए उसने एक दिन गांव के घर को बेचकर शहर में घर लेने का फैसला किया। अगले ही दिन उसने अपने शहर से दोस्तों को बुलाया जो कि प्रॉपर्टी का काम करते थे। उसने अपने दोस्त से कहा, तुम मुझे ये गांव का घर बिकवा दो और मुझे अपने शहर में अच्छा सा घर दिलवा दो। उसके दोस्त ने घर देखा और बोला, तुम्हारा घर तो इतना सुंदर है, तुम इसे बेचना क्यों चाहते हो? अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मैं दे सकता हूँ तुम्हें पैसे। तो उस व्यक्ति ने बोला, नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी पैसों की जरूरत नहीं है। मैं तो ये घर इसलिए बेचना चाहता हूँ कि ये घर शहर से बहुत दूर है। यहाँ पर शहर की तरह पक्की सड़कें भी नहीं है, रास्ते उबड़ खाबड़ है, और तो और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ भी है। जब हवा चलती है तो पूरे घर में पत्ते फैल जाते हैं, और ये गांव पहाड़ों से घिरा हुआ है। अब तुम ही बताओ, मैं शहर क्यों ना जाऊं? तो उसके दोस्त ने कहा, ठीक है, अगर तुमने सोच लिया है शहर जाना तो मैं तुम्हारा घर बिकवा दूंगा। अगले दिन वह व्यक्ति सुबह के समय अखबार पढ़ रहा था, तो उसने एक घर का विज्ञापन देखा और विज्ञापन में लिखा था, शहर की भीड़भाड़ से दूर पहाड़ियों से घिरा हुआ, हरियाली से भरा हुआ, ताजी हवा युक्त एक सुंदर से घर में बसाए अपने सपनों का घर। घर खरीदने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। उस व्यक्ति को विज्ञापन देखते ही घर पसंद आ गया। उसने घर खरीदने का मन बनाया और जब उसने उस नंबर पर फोन किया तो हैरान रह गया, क्योंकि ये विज्ञापन उसी के घर का था। यह जानकर वो खुशी से झूम उठा। उसने अपने दोस्त को फोन लगाया और कहा, मैं तो पहले से ही अपने पसंद के घर में रह रहा हूँ, इसलिए तुम मेरा घर किसी को मत बेचना, मैं यहीं रहूँगा। दोस्तों, मैं आपको इस मोटिवेशन स्टोरी से ये बताना चाहती हूँ कि अधिकतर लोगों को अपने जीवन से शिकायतें होती है। वो सोचते हैं कि उनके जीवन में दुख ही दुख भरे पड़े हैं। ऐसे लोगों को दूसरे लोगों की जिंदगी बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन आप ऐसे कभी मत करना। कुछ भी करने से पहले एक बार अपनी जिंदगी दोस्तों के नजरिए से जरूर देखना। अगर आपने कभी भी अपनी जिंदगी को दूसरों के नजरों से देखा है तो आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी दूसरों से बहुत ही अच्छी है। ये स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट जरूर करें।